नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बीटरूट पराठा बनाऊंगी। ये खाने में जितना हेल्दी है उतना ही देखने में भी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बीटरूट ले रही हूँ 250 ग्राम। इसको अच्छे से काट के इस तरह से काट लिया है मैंने। आप चाहे तो इसका कद्दूकस करके ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ग्राइंडर में चला लिया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और फिर दोबारा हम ग्राइंड करेंगे, जैसे कि एक पेस्ट या फिर जूस जैसा बन जाए। अभी ग्राइंड करने के बाद इसको हम, ये देखिए, ये छलनी जो है, ये बड़ा बड़ा छेद है इसमें, तो इसी तरह की छलनी आप ले सकते हैं। तो इसमें जो है अच्छे से पल्प निकल जाएगा। तो इस तरह से मलते हुए आप इसको छान लें और जो भी दरदरा रहे उसको दोबारा पीस लेना है। तो दोबारा पीसने के बाद फिर से हम छान लेंगे। अभी इसको अच्छे से छानने के बाद एक जूस जैसा बन जाएगा बीटरूट का। तो इसी में हम आटा गूंथेंगे। ये देखिए, अभी बीटरूट का जूस जैसा तैयार हो गया है। इसको मैं एक बोल में ले रही हूँ जिसमें मैं आटा गूंथूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और इसमें हम 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और आटा आप जितना लोगों के लिए बना रहे हैं उसी हिसाब से आप आटा लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं 2 कप आटा मिला रही हूँ, गेहूं का आटा। इसमें अजवाइन लेंगे 1 छोटी चम्मच। इसके बाद अच्छे से इसको गूंथ लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। तो अगर ये जूस में जो है, अगर आटा कम हो गया है, थोड़ा सा गीला हो गया है आटा, तो और थोड़ा आटा मिला सकते हैं, या फिर हार्ड हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं। तो अच्छे से इसको बैलेंस करके गूंथ लेना है। तो सब डो हमारा बन गया है। अभी इसको एक लोइया बना लेंगे। तो इस तरह की ऐसे गोल गोल बॉल बना लेंगे। अभी हम इसको पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा आटा छिड़कने के बाद लोइया को थोड़ा सा फ्लैट कर लें अपने हथेली से। अभी इस तरह से एक रोटी जैसा बना देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, तो थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अभी हम इसको ट्रायंगल शेप देंगे। इसके बीच में से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करने के बाद, फोल्ड करने के बाद फिर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो इस तरह से हम अगर पराठे बनाते हैं तो सॉफ्ट बनता है हमारा पराठा। तो हथेली से थोड़ा सा ऐसे दबाते हुए थोड़ा फ्लैट कर लें और ट्रायंगल शेप दे दें। उसके बाद बेलन से अच्छे से बेल लेना है चारों तरफ से। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला ना करें, ऐसे थोड़ा मोटा होना चाहिए। अभी तवा में ऑलरेडी गरम कर चुकी हूँ। अभी दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसको सेक लेंगे मीडियम आंच पर। तो हमारा पराठा जो है थोड़ा सा सीक चुका है। अभी ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ग्रीस करेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। ध्यान रखें कि आपका जो गैस का फ्लेम है मीडियम रखें, और अच्छे से तेल से फैलाने के बाद जब भी आप पराठा सेके तो किनारे से बहुत अच्छे से सेक लेना है, क्योंकि किनारे पे अच्छे से नहीं सिकता, नहीं पकता, इसीलिए ऐसे दबाते हुए इसको सेक लेना है। अभी इसको हम सर्व करेंगे। इसको आप दही और चीनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर ऊपर आ रहे पेज पर चटनी, मैंने टमाटर चटनी का लिंक दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।